राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि अगर आप सपने में कबूतर को देखते हैं तो सपने में कबूतर को देखना अच्छा होता है या बुरा होता है। इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में आखिर क्या परिवर्तन होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए, परंतु उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सपने में कबूतर को देखना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। इस सपने के बाद आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। आपका कोई महत्वपूर्ण काम जो किसी भी कारण से नहीं बन रहा था, अगर वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था और उस काम में अगर परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इस सपने के बाद उन समस्याओं का अंत होगा और आपका समय आपका साथ देगा और इस कारण से आपका रुका हुआ काम अवश्य पूरा हो जाएगा। मित्रों, इस सपने के बाद आपका पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। आपके घर का माहौल हंसी खुशी से भरा होगा और इस सपने के बाद आपके घर में शादी विवाह की संभावना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि शुभ कार्य आपके घर में होगा जो कि आपके परिवार के माहौल को बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण बना देगा। इस सपने के बाद घर के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे और अपने पारिवारिक जीवन को बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस सपने से पहले अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या थी, पैसों की परेशानी थी, तो इस सपने के बाद उस समस्या का अंत होगा क्योंकि आपके पास में आकस्मिक रूप से पैसे आने वाले हैं। आकस्मिक रूप से धन आएगा जो कि आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। इस सपने से पहले अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और प्रयास के बावजूद अगर अपने रुके हुए धन को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो इस सपने के बाद आपका रुका हुआ धन आपको मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। मित्रों, आप में से जो भी लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इस सपने से पहले अगर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में अगर आपकी एकाग्रता भंग हो जा रही थी, तो इस सपने के बाद वहाँ परिवर्तन होगा और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका उद्देश्य होगा, जो आपका लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका भाग्य आपकी सहायता करेगा और इस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का योग बहुत ज़्यादा बनेगा। मित्रों, आप में से जो भी लोग कहीं भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो नौकरी के दृष्टिकोण से भी ये सपना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। इस सपने के बाद नौकरी के क्षेत्र में उन्नति का योग बनेगा। सभी लोग, चाहे वो आपके बॉस हों, सहकर्मी हों, सीनियर हों, कर्मचारी हों या फिर कोई भी लोग हों जो आपके साथ आपके कार्यालय में रहते होंगे, वो सभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे और इन सभी के सपोर्ट से नौकरी के क्षेत्र में उन्नति का योग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सपना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा और इस सपने के बाद आपके जीवन में आपकी उन्नति बहुत ज़्यादा होगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।